कक्षा सेवेंथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए गए थे कि कौन सी वस्तु खरीदने पर हमें लाभ होगा या हानि होगी और उसका प्रसंग भी हमने निकाला था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने एक टीवी रुपए 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये हमें निकालना है। तो देखो बेटा, कितने में खरीदी? 10,000 रुपए में। खरीदने वाला मूल्य क्या कहलाता है आपका? क्रय मूल्य। तो बस टीवी का क्रय मूल्य क्या है? लिखेंगे कि टीवी का क्रय मूल्य और ये है कितना? 10,000 रुपए, ठीक है ना। कितना प्रतिशत लाभ है? लाभ प्रतिशत भी नहीं रखा है आपके लिए। लाभ प्रतिशत कितना है आपका? 20%। कितना है? 20%। निकालना क्या है आपको? बेचने वाला मूल्य निकालना है। क्यों? बेचेंगे जब भी कोई धन प्राप्त होगा। तो टीवी का आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो टीवी का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ये वाला। तो प्यारे बच्चों, मेरे आपके लिए डायरेक्ट यहां सूत्र लिखाए थे कि आपको विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो देखो, विक्रय मूल्य बराबर होता है, तो सूत्र लिखाया था यहां, विक्रय मूल्य बराबर होता है कितना? 100 प्लस लाभ बटे 100 इंटू क्रय मूल्य की। देखो ये सूत्र लगाया था, नहीं लगाया था? तो देखो, लाभ प्रतिशत है ही आपके लिए, क्रय मूल्य आपका है ही है, तो इन जगह पर केवल आपको मान रखना है, ठीक है ना। रखेंगे तो देखो, 100 प्लस लाभ कितना है आपका? 20 बटे 100 इंटू 10,000। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 बटे 100 इंटू 10,000। देखो बेटा, यहां वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई, इस वाली जीरो से ये जीरो कट गई। अब 1,000 का गुणा जब 12 से करेंगे तो कितना आएगा? 12,000। कितना आएगा? 12,000। यदि हम टीवी को 20% लाभ पर बेचें तो हमें जो धन प्राप्त होगा वो कितना होगा? 12,000 रुपए होगा। अतः बेचने पर, या लिख देंगे नीचे, अतः बेचने पर लाभ, बेचने पर धन प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा बराबर 12,000 रुपए। कितना होगा? 12,000 रुपए। तो प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट सूत्र लगा करके भी कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से नहीं करना है तो दूसरा भी मेथड इसका है कि पहले मान लें, हमें पता नहीं है कि माना टीवी का क्रय मूल्य 100 रुपए है। कितना है भाई? 100 रुपए है। लाभ कितना दे रखा है? 100 रुपए पर 20 रुपए। तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20 से विक्रय और मुंह से मूल्य, और ये बराबर हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? मैंने अपने सूत्र बताया था, क्रय मूल्य प्लस लाभ। हानि हो तो क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है ना। हाँ जी, क्रय मूल्य आपके पास 100 है, प्लस लाभ आपका 20 है, कितना हो गया? 120 रुपए, ठीक है ना। तो अब यहां अपन करेंगे, देखो चूंकि, देखो दो ऊपर जीरो नीचे जीरो, इसे कहते हैं अपन चूंकि टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो यहां क्रय मूल्य कहेंगे। टीवी का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो विक्रय
विक्रय मूल्य कितना आया आपका 120 रुपए। इसीलिए तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये ऊपर जीरो होती है नीचे दो जीरो होती है इस टाइप से। इसीलिए टीवी का क्रय मूल्य 100 की जगह पे 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा। तो बेटा देखो जब 1 रुपया है तो कितना होगा, इस वाले को ऊपर रखेंगे और इस वाले को नीचे रख देंगे। इसीलिए अब टीवी का हमें क्रय मूल्य दे रखा है कितना है 10,000 रुपए। इसीलिए टीवी का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा 120 बटे 100 ये तो है ही इनटू 10,000। देखो सेम आ रहा है यहाँ इन दो एक जीरो से ये वाली जीरो कट गई, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ रहा है 12,000। देखो सेम है नहीं है ये वाला और ये वाला, तो चूंकि इसलिए से करना है तो आप इस टाइप से करेंगे और डायरेक्ट सूत्र आप बताएंगे कि विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 + 100 / 100 इनटू क्रय मूल्य के। यदि हानि दे रखी है तो 100 माइनस हानि कर देंगे हम बटे 100 इनटू क्रय मूल्य के। तो प्यारे बच्चों आप डायरेक्ट लगा करके भी इसको कर सकते हैं और चूंकि इसलिए से भी अपन क्रय मूल्य 100 रुपए मान करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हानि दे रखी है तो एक क्वेश्चन में हानि वाला भी आपके लिए बता देता हूं कि यूही एक वाशिंग मशीन 13,500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर यहां 6 है, क्वेश्चन नंबर बन रहा है 6। जूही नाम है तो जूही एक वाशिंग मशीन बेचती है, ठीक है ना। तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त, यानी तो मशीन कितने में खरीदी थी, मशीन इतने रुपए में बेचने पर, खरीदने पर नहीं है या बेचने पर है, इतने रुपए में बेचने पर 20% हानि पर हानि उठाती है, हानि उठाती है तो बेचने पर कितना लाभ होगा। तो इतने रुपए बेचने पर, इतने रुपए बेचने पर इतने का हानि हो गया तो वह मशीन कितने रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी। तो देखो बेटा खरीदने वाला मूल्य निकालना है आपको, तो खरीदने वाले मूल्य को अपन क्या कहते हैं, खरीदने वाले मूल्य को अपन क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो यहां हमें क्रय मूल्य याद करना है, क्या याद करना है, क्रय मूल्य हमें याद करना है। तो देखो क्रय मूल्य याद करेंगे, ये मूल्य कौन सा है आपका, बेचने वाला, बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं हम, क्रय मूल्य। तो वाशिंग हल करेंगे इसको, वाशिंग मशीन का विक्रय मूल्य और ये बराबर है 13,500 रुपए, कितना और हानि कितनी हो रही है बेटा, हानि हो रही है 20%। निकालना क्या है आपको, क्रय मूल्य याद क्या करना है आपको, क्रय मूल्य। तो अब इसमें आप क्या लगाएंगे, क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य वाला लगाया नहीं गया है। तो देखो क्रय मूल्य बराबर होता है 100 / 100 - हानि और लाभ हो तो 100 + लाभ।
ठीक है, हानि आती है तो माइनस करते हैं, लाभ होता है यहाँ प्लस कर देते हैं, और इनटू विक्रय मूल्य भी, इनटू विक्रय मूल्य भी। तो देखो ये सारे के है नहीं हमारे, केवल मान रखना है आपको 100 बटे 100 माइनस हानि कितनी है आपकी 20, इनटू विक्रय मूल्य कितना है आपका 13,500। देखो 100 बटे, हाँ जी जब 100 में से 20 कटाएंगे तो कितना बचेगा 80 इनटू 13,500। अब देखो आसानी से हम काट सकते हैं, देखो 0 से 0 में मैंने 2 से इसको काट दिया 5 बार और 2 से इसको काट दिया मैंने 4 बार, ठीक है आप इसको भी काट सकते हो, लेकिन नहीं काटना है तो आप पहले 5 बार इनका गुणा कर दें। तो देखो 13,500 इंटू 5 बटे 4 ये तो होगा ना। अब इन दोनों का 5 का गुणा करेंगे तो देखो इधर मैं कर देता हूं 13,500 इंटू 5, 5 का गुणा करेंगे तो 5 का 0 गुणा करेंगे तो 0, 5 का 0 से करेंगे तो 0, 5 का 5 से करेंगे तो 25, 5 से का 2, 5 की 15, 15 और 2 17, 5 का 1, 5 के 5 और 1 6, कितना आया आपका 67,500 बटे 4। अब इसमें हमें कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है, तो देखो 4 का भाग देंगे 4 इधर 4 कितना बचा 2, अंक उतारा 7 का, 4 छक्की 24 कितना बचा 3, अंक उतारा 5 का, 4 के 32 कितना बचा 3, अंक उतारा 0 का, 4 सत्ते 28 कितना बचा 2, अंक उतारा ये वाला 0 का, 4 पंजे 20 पूरा पूरा गया नहीं यार, तो जब 4 का सम भाग देंगे कितना आएगा 16,875 रुपए। अतः जो कह दिया गया मूल्य का हमने इतने में जो खरीदी थी वो इतने रुपए में खरीदी थी, वाशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ रहा है हमारा 16,875 रुपए आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप सूत्र से आसानी से आप निकाल सकते हो, और यहाँ भी इसी हिसाब से निकालेंगे तो आपको क्रय मूल्य कितना मानना पड़ेगा 100 रुपये मानना पड़ेगा, हानि लाभ की जगह 20 हो जाएगी, या टीवी की जगह पर लिया जाएगा वॉशिंग मशीन लिखी जाएगी, यहाँ पर क्या लिख जाएगी टीवी की दूसरा मेथड वॉशिंग मशीन, हो गई नहीं हो गई, का मूल क्रय मूल्य 100 रुपए है और लाभ की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगा हानि। तो टीवी का अपन विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, इसका वॉशिंग मशीन का अपन विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है कि वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय माइनस हानि, ठीक है ना। तो 100 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 80 रुपए। तो यहाँ टीवी के ऊपर अपन क्या लिखेंगे वॉशिंग मशीन, चूंकि वॉशिंग सेम मेथड है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य 120 की जगह पे यहाँ क्या आएगा, विक्रय मूल्य कितना है इसका 80 रुपए, ठीक है। इसीलिए टीवी का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा 80, ये इधर ऊपर आएगा ये वाला 100 आ जाएगा। अब इस टीवी की जगह पे क्या लिख दिया यहाँ वॉशिंग मशीन आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो।